सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, हमें याद है कि जो मैट्रिक्स हमारी इस फॉर्मेट में थी 0 0 0, ऑर्डर 3 की बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसका नेगेशन यहाँ पर है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसका नेगेशन यहाँ पर है, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसका नेगेशन यहाँ पर है। सो ये मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, ठीक है। सो सवाल हमसे कह रहा है कि इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन राइट द वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो हमने बताया था आपको कि जब कभी भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जिक्र हो तो माइंड में सबसे पहले हमारे आना चाहिए कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में, एंड ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंसेप्ट में, ठीक है। और एक और चीज़ क्या आनी चाहिए यहाँ से, यहाँ से आपको मिलना चाहिए ए आई जे शुड बी इक्वल्स टू ए जे आई, और यहाँ पे आपके पास आना चाहिए ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस का ए जे आई। सो ये कुछ इनिशियल कंडीशंस हैं जिसकी शुरुआत करके हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ फटाफट देखिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन के हिसाब से सिंस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब हो जाएगा ए ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ए, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होने चाहिए आपस में। अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब हो गया अगर मैं बोथ साइड डिटरमिनेंट लगा दूँ तो वो भी इक्वल होगा। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए। माइनस ए का मतलब मैं कह सकता हूँ क्या, यहाँ माइनस का 1 है मल्टीप्लाइड बाई ए है, कोई इशू नहीं यहाँ से यहाँ तक। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पता है, प्रॉपर्टीज़ वो क्या क्या फटाफट देखिए। प्रॉपर्टी हमारे पास है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ही होता है, और हमें एक और प्रॉपर्टी क्या पता है कि के टाइम्स ऑफ ए अगर हम करते हैं तो वो हमारे पास होता है के टू द पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ ए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए होती है हमारे पास और एन क्या होता है उसका ऑर्डर होता है। सो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। सो हमें क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगी इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ऑर्डर था यहाँ पे 3, सो ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए विच विल गिव अस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस में डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर हम इस चीज़ को यहाँ लेकर आते हैं तो हमें मिल जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अब इज इक्वल टू में 0 मिलेगा या नल मैट्रिक्स मिलेगी। ध्यान से देखिए, डिटरमिनेंट जो होता है हमारे पास वो एक वैल्यू होती है एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स, ठीक है। तो वैल्यू तो हमेशा 0 को इक्वेट करेगी। अगर ये दोनों मैट्रिसेस होती तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स होती, ये 0 लिखा हुआ याद रखिएगा, ठीक है। सो दिस विल इम्प्लाइज दैट 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। सो क्या मिला हमें, अगर ए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। इस चीज़ को आप एज ए रूल भी याद कर लीजिए कि अगर हमारे पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है तो हमेशा उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है। ये बात ऑर्डर 2 पे वैलिड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर हमारी एक मैट्रिक्स होती 2x2 की सो उसका डिटरमिनेंट जरूरी नहीं 0 आता हमारे पास, लेकिन ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स हमारी हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 0 ही देगी। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।